सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की मंच पर हमारे रामलीला दुर्गा नारे मंडली के प्रधान हमारे संजीव खजूरिया जी मंच पर ही हमारे वरिष्ठ हमारे संचालक प्रदीप पंडोल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट दुर्गा नाटक मंडली विकास जी यहाँ पर दुर्गा नाटक मंडली की टीम के सारे सदस्यगण मेरे सामने बैठे हुए चमन जी रंजन जी व यहाँ पर आए हुए शहर के सारे मेरे मौजी शहरी माताएं बहने व प्यारे बच्चों जैसा सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के त्यौहार पर आप सबका दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपका यहाँ पर अभिनंदन भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं संजीव जी का और इनकी पूरी टीम का जिन्होंने रामलीला का आयोजन यहाँ इस रामलीला ग्राउंड में किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले कोविड का टाइम रहा है और एक दो बार बीच में हम रामलीला नहीं भी कर सके, लेकिन फिर भी संजीव जी ने कोशिश करके इस बार भी थोड़ी गाइडलाइंस ऐसी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है बड़े शॉर्ट टाइम में मैं कहूँगा कि इन्होंने फैसला लिया इनकी टीम ने और आज यहाँ पर रामलीला का आयोजन जो है ये यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी ही मैं कहूँगा हम सबके लिए खास तौर पर बच्चों को आज के दिन का बड़ा एक रहता है कि कब रामलीला स्टार्ट हो और हमें देखने को मिले। और वैसे ही अगर रियासी की बात करें तो हमारी दुर्गा नाटक मंडली जिनका इतिहास है 100 साल से भी पुरानी रामलीला यहां पर होती आई है और बड़े बड़े अच्छे कलाकार जो हैं इस दुर्गा नाटक मंडली ने जो है जो रियासी को दिए हैं। तो मैं एक बार पुनः संजीव जी का इनकी पूरी टीम का और जो बाहर से भी कलाकार जैसे सुनने में आए हैं कि कुछ जो बाहर रहते हैं जो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं वो भी इस खास ओकेजन के लिए रामलीला के लिए यहाँ पर आए हैं उनका भी हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि प्रभु राम जिनकी हम रामलीला यहाँ हर साल करते हैं और आज हमें खुशी हो रही है कि उनका भव्य मंदिर जो है वो अयोध्या में बनने जा रहा है। और आप जानते हैं कि पिछले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसकी नींव पत्थर रखी थी और मैं ये कहूँगा कि ये भव्य मंदिर भगवान राम का तो है ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये भारत के संस्कारों का निर्माण जो है वो होने जा रहा है। तो एक बार पुनः मैं संजीव जी का इनकी पूरी टीम का और यहाँ पर आए हुए सारे लोगों का दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत जय श्री राम।
राहत का समय है, लेकिन राहत में
हम लोगों को मुसीबत नहीं खोजनी चाहिए, तो इसलिए हमारा सहयोग करें, पंडाल में रोज आए, क्योंकि रामलीला शुरू होने से लगभग 2 महीने पहले शहर के छोटे छोटे बच्चे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमें रोज मिलते आते जाते पूछते हैं कि इस बार रामलीला होगी या नहीं। तो आज भी ऐसा ही एक छोटे छोटे बच्चों का दृश्य है देवलोक, जिसमें कई नए बाल कलाकारों को हमने उतारा है। तो हमारा सहयोग समय देकर और शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सारा टेक्निकल मामला है, हम लोग पूरे तरीके से 2 साल के बाद आ रहे हैं, हमने साउंड खोली है, उसमें कोई भी सिस्टम किसी भी समय प्रॉब्लम में जा सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा लेट होता है। जैसे हमारे पास 2 साल पहले हमें माननीय विधायक जी से कुछ अल्ट्रा मॉडर्न लाइट्स मिली थी, ऐसी लाइट्स जो हमने पिछले साल नहीं यूज की, तो इस साल वो कहीं कहीं हमारे चेकिंग में दिक्कत डालती हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, अन्यथा पूरे सुचारू ढंग से हम लोग आपको रामलीला दिखाएंगे। क्योंकि कलाकार कोई छोटा बच्चा तैयार हुआ हो तो उसे ये बड़ी इच्छा होती है कि पंडाल भरा हुआ हो। तो आज भी 15-15 मिनट के 3 दृश्य हैं और बीच में 10-12 मिनट हम लोग सेटिंग के लिए लेंगे। पंडाल में आई हुई धर्मप्रिय जनता से मैं यही गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चों का हौसला बनाए रखें, हमारे शहर का भविष्य है, वो अगर रामलीला मंचन में उतरे हैं तो जरूर अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल इसी मंच से अपनी कलाकारी भी दिखाएंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप शांतिपूर्वक तरीके से बैठें, हमारा सहयोग करें, ताकि हम लोग प्रशासन को भी ये दिखा पाएं कि दुर्गा नाटक मंडली जो भी कार्य करती है वो बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित तरीके से करती है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। सर क्या कहेंगे, आज जोत प्रज्वलित करके आपने रामलीला का आगाज किया है, पहला दिन है, पहला नवरात्रा है, क्या कहेंगे और नवरात्रों के इस खास मौके पर आज जिनका प्रारंभ हुआ है उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो माँ भगवती के नवरात्रों आज स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को सभी को मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि आज दुर्गा नाटक मंडली जिसका इतिहास है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, यहाँ पर रामलीला का आयोजन रियासी में करते आए हैं, तो आज भी यहाँ पर रामलीला का आयोजन जो है ये दुर्गा नाटक मंडली के द्वारा आज यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर इनको आई, क्योंकि थोड़ी गाइडलाइंस ऐसे थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परमिशन जो है वो है, और बाकी गाइडलाइंस सारी जो है ये उसको गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और बच्चों में भी बड़ा उत्साह होता है जैसे कि आप जानते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है यहाँ रामलीला जो है शुरू हुई है, बच्चों को लोगों को अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, भगवान राम की जीवनी के बारे में जो है ये रामलीला होती है। और इसलिए भी हमारे लिए एक बहुत ये मायने रखता है, क्योंकि बड़ी कई सालों के बाद 580 सालों के बाद जो है भगवान प्रभु राम जी का मंदिर भी जो है, भव्य मंदिर जो है वो अयोध्या में भी बनने जा रहा है, तो ये भी एक हम सबके लिए बड़ी एक गर्व की बात है। और हम खुशकिस्मत हैं, हमारी पीढ़ी भी खुशकिस्मत है जो अपनी आंखों से भव्य मंदिर भगवान का, प्रभु राम का बनते हुए देखेगी। और मैं यही कहूँगा कि ये सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये भारतीय संस्कृति का मंदिर, भारतीय संस्कृति का निर्माण जो है ये होने जा रहा है। तो बाकी मैं एक बार फिर पुनः पूरे लोगों को, रियासी के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। और इन नवरात्रों में यही आशा करता हूँ कि
माँ भगवती अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूरी करे। रियासी की रामलीला का एक लंबा इतिहास रहा है, दुर्गा नाटक मंडली का भी, और क्या आप भी इसका हिस्सा रहे हैं? कभी आपने भी स्टेज पर, मंच पर किसी किरदार को निभाया? मैंने कोई किरदार निभाया नहीं है, लेकिन ये है कि बचपन से मैं यहाँ देखते आया हूँ और बड़ी अच्छी रामलीला यहाँ पर होती आई है। और हमारे बुजुर्ग जो आज नहीं भी रहे हैं, चाहे वो तारामणि जी हों, चाहे वो दास मास्टर जी हों, या भिन्न भिन्न और भी बड़े कलाकार यहाँ से, रमेश बड़ू जी, या जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो इन लोगों ने इस रामलीला को खड़ा करने के लिए बड़े ज़्यादा सहयोग दिया है, अपनी जान डाली है। तो आज मैं यही कहूँगा कि आज जो आगे उन्होंने कलाकार तैयार किए हैं, जो आगे और आने वाली पीढ़ियाँ, जो बच्चे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो रियासी की रामलीला अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर रामचरितमानस का यहाँ कंपटीशन भी होता रहा है। पूरे प्रदेश से टीमें आती थी और यहाँ आयोजन किए जाते थे, लेकिन पीछे कुछ कोविड की वजह से जो पिछले 2-3 सालों से ये ऐसा यहाँ नहीं हो पाया, तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में जब हम कोविड से पूरे तरीके से निजात पा लेंगे, तो आने वाले टाइम में दोबारा यहाँ पर रामचरितमानस के कंपटीशन, जो अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से जैसे जो टीमें आती थी, ऐसे कंपटीशन भी यहाँ हमें देखने को मिले। बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, तो क्या मान के चले आने वाले कुछ सालों में और नए कलाकार दे सकती है? नहीं, बहुत सारे कलाकार रियासी में बड़ा टैलेंट है, बड़े बड़े अच्छे बच्चे मैंने देखा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर फील्ड में, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे एक्टिंग में हो। तो खास तौर पर दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से भी मैं कहूँ, जो हमारे संजीव खजूरिया जी हैं, या इनकी पूरी टीम, जो बाकी लोग हैं जैसे सुदेश मंदोत्रा जी जो चेयरमैन हैं, ये लोग बड़े दिल से यहाँ पे ये जो है ये रामलीला का यहाँ आयोजन करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को भी मैं कहूँगा कि अच्छे कलाकार यहाँ बनकर निकलेंगे रियासी से। सर, जिस तरह से बीते साल की बात करें, से परंपरा निभाई गई थी, अगर इस तरह का जो मंचन ना हो, वो कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत बहस जाता, तो रामलीला होना एक अच्छा संदेश है, और ये भी मान के चले कि इससे यही करना कि कहीं ना कहीं हम कोविड के कोविड पर हम सफलता हासिल कर चुके हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे तरीके से कोविड ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें SOPs का जो है वो पालन करना चाहिए, मास्क वगैरह डालना चाहिए, सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंसिंग में हमें बैठना चाहिए। लेकिन ये है कि जो रामलीला है, इसमें हमें अच्छा जो है यहाँ पे प्रभु राम की जीवनी देखने में मिलते हैं, हमें बहुत सबक मिलता है कि प्रभु राम कैसे, भगवान राम के जो नक्शे कदमों पर हमें चलना चाहिए, और उससे हमें अच्छी जीवनी जीने का जो है एक बच्चों में भी एक अच्छे संस्कार जो हैं वो पढ़ते हैं उसमें। असर सरकार में भले आप ना हो, जब सरकार में तब भी आपने दुर्गा नाटक मंडली की सहायता की, अभी आप सरकार में नहीं है, भले सरकार का हिस्सा है, तो क्या मान के चलें इस तरह आप दुर्गा नाटक मंडली का सहयोग करेंगे, इसको बड़े मतलब लेके जाएंगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से ज्यादा शक्ति के मुताबिक मैं अपना सहयोग करता भी हूँ, हर साल करता हूँ। चाहे मैं जब सरकार में था तो वो अलग चीज थी, वो तो सरकारी फंड्स थे, लेकिन उसके अलावा भी मेरा जो अपनी तरफ से सहयोग होता है मैं करता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने किया था, करता रहूँगा मैं, क्योंकि ये हमारी अपनी रामलीला है, ये हमारा दुर्गा नाटक मंडली हमारी अपनी रियासी की मंडली है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना भी हम अच्छे तरीके से इस मंडली को, इस दुर्गा नाटक मंडली को हम सहयोग करें, अच्छे तरीके से इसका जो है और ज़्यादा ये फले फूले और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए हर तरीके से मैं जो है मैं इनके साथ रहूंगा और पूरा साथ निभाऊंगा। आपकी सरकार का वायदा था कि राम मंदिर आप बनाएंगे, कोर्ट के जरिए वो आप बन भी रहा है, तो रामलीला हम देखते हैं कि जम्मू सूबे के कई सारे इलाके हैं यहाँ पर बंद हो चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण भी हो सकता है, या फिर समय लोग नहीं दे पाते, अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या सरकार की तरफ से आप बात करेंगे कि जम्मू में यहाँ भी रामलीला बंद है, या फिर नए सिरे से कहीं पर शुरू हो पाए, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी? क्योंकि आपका एक एजेंडा भी रहा है राम मंदिर बनाने का, और उसके नाम पर आप वोट भी मांग रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का, राम लीला का होना, मैं ये कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी बात है, अगर बच्चों में संस्कार डाल लें। मैं फिर कहूँगा कि रामलीला के लिए हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमें बच्चों को दिखाना चाहिए, खास तौर पर नवरात्रों में ये जो हमारे आते हैं, तो इसमें प्रभु राम की जीवनी के ऊपर पूरी जो है ये रामलीला का विमोचन होता है।
तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर भी रहे हैं और रामलीला का शौक लोगों में दोबारा पड़ चुका है। मैं देख रहा था अभी, मैं पीछे एक कटरा के ही एक गांव हमारा सीरा कॉलोनी वहां गया था, तो लोग बार बार मुझे अप्रोच करके ये कह रहे थे कि हमने रामलीला करनी है, हमें परमिशन दिलवाइए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए, हमने रामलीला करनी ही करनी है। तो मैं ये देख रहा था कि दोबारा लोगों में बहुत सारा शौक जो है रामलीला के लिए अपने आप जाग रहा है, बिना कहे हुए भी लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि हम प्रभु राम जी की रामलीला जो है वो लोगों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, ताकि हमारे बच्चों में वैसे ही संस्कार पड़ सकें। तो आज से रियासी के रामलीला मैदान में, जिसे ओपन एयर थिएटर भी कहा जाता है, रामलीला का आगाज़ हो चुका है। गणेश मंदिरा के साथ रामलीला का आगाज़ हुआ है और अब तीन दृश्य जो हैं वो मंचित किए जाएंगे और वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि गणेश मंदिरा के साथ रामलीला का आगाज़ जो है वो हो चुका है और कैलाश तलहटी जो दृश्य है वो अब मंचित हो रहा है। होता होगा
तुम कौन हो? मैं भगवान शिव का अनुचर नंदीगण हूँ। ये स्थान भगवान शिव का क्रीड़ा स्थान है और इस पर से गुजरना एक तरह से उनका अपमान है। परिंदों के परिवारों यहाँ ज्योति से जलते हैं, यहाँ आते हैं परिंदे वो भी कतरा के निकलते हैं। तुम भी यहाँ से निकल जाओ और भगवान शंकर के क्रोध को न जगाओ। शंकर शंकर कौन शंकर? फूल से उड़ा दिए ऐसे कंकर। गांड मिंदर उस पर बड़ो विचार, देवों में बड़े महादेव उनका है विस्तार। लंकेश हमको मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान से बड़ा गर्व है, परंतु परंतु कैसे परंतु? क्या ये वरदान हमें मूर्ख मिल गया? अरे कुछ खबर भी है, कौन था जो जनपान था जो दंगान था जो खेत में होश कहाँ मत होश कहाँ सब तंतु तंतु क्या था? खान तजा जनपान तजा धन दान तजा कुछ खेत न माला ग्रह तजा सुख स्ने तजा तब ने में दे को दे न माना। अरे नाम किया शुभ काम किया जो किया सो हमने पहचाना। जाप की शाप कदापि नहीं जब आप किया और आप खाना। नंदी जी सच बात पे चौक उठे क्यों आप? सूरज को सूरज कहा इसमें क्या है बात? सूरज के प्रकाश को जाने विश्व तमाम, कभी सूरज नहीं कहता है सूरज मेरा नाम। यह तुम्हारा नहीं तुम्हारी समझ का कसूर है। याद रखो लंकेश, यदि तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी अवश्य होगी। माना माना कि तुम्हें दानव दैत्य राक्षस इसमें से कोई नहीं मार सकता, परंतु तुम्हें मारने वाला अवश्य पैदा होगा और रामावतार होगा। और सुनो, ये जो तुम सदा शिव के लिए बुरे वाक्य कहते हो, क्यों अपनी मौत को समीप बुलाते हो? सावधान सावधान बुद्धिमान सावधान, शिव की महिमा सुन और उन्हें पहचान कि वह कौन है। पीता नेत्र उखाड़ कर किया मदन को खाक, देवों का संकट हरा गल कंठ में दार यह थी गर्मी रोकी, वह कहीं करता दया पसंद होती थी लोकी। करो न उनसे लाभ कि होगा पूरा नतीजा, मुझको है सिंधे नेत्र खुल जाए नतीजा। ना बहाए क्या कभी पहाड़ भी हिलाने से हिले हैं जो इस पर जोर आजमाते हो? पांजनी के उत्र से पैदा कोई पुत्र करो, रात को देखो दिवाकर के प्रकाश को, तीनों तारा मंडल को बिजली को ठंडा करो, गौ के समान आकाश को दो दो। शिव का कैलाश कोई कीचड़ का खुंटा नहीं, इसे जो खाना है तो जिंदा करो लाश को, काम जो असंभव है संभव करो उसे, जो भी जीवित है बिन उठाए कैलाश को। जो होकर जरा सी बात पर
करता रहेगा तो ये तुझे मृत्यु से बचाती रहेगी, परंतु याद रखना जिस दिन इसका पूजन ना होगा ये वापस मेरे पास चले आएगा। कल्याण सदरूप मौत है, अब वास्तव में बोले लोग हैं, गुनाहगार को आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले दृश्य में एक नया लाइव शुरू करेंगे। धन्यवाद।